Hello friends, welcome to Divyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support. इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनाना बता रही हूँ. पुरानी ट्रेस को हम कैसे रीयूज़ करेंगे. पुरानी ट्रेस को यूज़ करके ये मैंने कंटेनर ऑर्गेनाइजर बनाया है किचन के लिए. बहुत सी पुरानी ट्रेस पड़ी रहती हैं, हम हमेशा नए डिज़ाइन की ट्रे लाते हैं और उसे ही यूज़ करते हैं जब गेस्ट आते हैं तो चाय या पानी देने के लिए. तो ये बहुत ही पुरानी ट्रे पड़ी थी और इसको मैं एक ग्लू यूज़ करूँगी जिससे प्लास्टिक चिपक जाता है. आप फेविस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं. और ये सेम साइज़ के दो कंटेनर मैंने लिए हैं, बॉटल हैं ये. और ये देखिए, ये ट्रे मैंने साफ़ कर दिए. और इसको साफ़ करने के लिए मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा का यूज़ किया था तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई और शाइन भी करने लगी है. चूँकि हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना है हमें. अब ये दो सेम साइज़ के कंटेनर यूज़ कर रही हूँ मैं. आप पानी वाली बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं सेम साइज़ की, या इस तरह से सीसियाँ यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए, ये मैं एक सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ जो स्पेशली प्लास्टिक चिपकाने के लिए यूज़ होता है. आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आसानी से पेस्ट हो जाए. पहले हम ट्रे को इस तरह से रखेंगे और ये कंटेनर लेंगे या जो भी बॉटल आप यूज़ करते हैं उसमें आप कुछ फिल भी कर सकते हैं जिससे वो हैवी रहेगा. और ये देखिए, इस तरह से कंटेनर को हम बीचों बीच रखेंगे. तो उसके लिए मैं एक कलचुल का यूज़ कर रही हूँ. और ये इस तरह से आप एक ट्रे को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर उन दोनों बॉटल्स को रखेंगे इस तरह से. और फिर हम सोल्यूशन लगाएंगे. और आपके पास सोल्यूशन नहीं हो तो आप फेवी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, 5 रुपए का आता है. और इसको आप पेस्ट कर देंगे इस तरह से. बहुत ही आसान ऑर्गेनाइज़र है, इसलिए बनाया जा सकता है. पुरानी ट्रेस बहुत सारी घर में पड़ी होती हैं जिनको हम फेंकने वाले रहते हैं. और अभी हमने शिफ्ट किया है घर तो पुरानी पड़ी थी, फेंकने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ इसका. देखिए, ये मैंने दोनों पेस्ट कर दिए हैं. दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए और एक लाइन में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में दोनों को पेस्ट करना है. और कॉर्नर्स पे थोड़ा पेस्ट करेंगे तो उससे बैलेंस अच्छा बना रहता है दूसरी ट्रे का. और ये सोल्यूशन मैंने दोनों बोतल के ऊपर ढक्कन पे लगा दिया है ये. और इसके बाद इस पर हम ट्रे को पेस्ट करेंगे, दूसरी ट्रे को पेस्ट करेंगे. कुछ ट्रेज ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है और हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो बेस्ट यूज़ है उसका. और इस ऑर्गेनाइज़र को हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. आप अपने किचन में रख सकते हैं, बच्चों के किड्स जोन में रख सकते हैं, बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं. देखिए, ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र तैयार है, वेरी सिंपल. और 2 मिनट में बन गया. आपने देखा, 2 ट्रेज ली और सेम साइज़ की 2 बॉटल्स ली और उनको पेस्ट कर दिया. तो बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा. और ये देखिए, इसमें मैंने कंटेनर्स रख दिए हैं. आप अगर लंबी बोतल का यूज़ करेंगे तो बीच में आप बड़े कंटेनर्स भी रख सकते हैं. और ये देखिए, किचन के कुछ स्पाइसेस कंटेनर और छोटे कंटेनर्स मैंने रखे हैं. नीचे आप हैवी कंटेनर्स रख सकते हैं, आप इसमें ऑयल का कंटेनर भी रख सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और आप किचन में किसी भी कोने में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास सेल्फ्स नहीं है किचन में तो ये बेस्ट आइडिया है और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. ये देखिए, इसको आप वेसल्स स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप चाय के कप, ग्लास, प्लेट, बाउल्स सब रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत होता है. प्लास्टिक का बना हुआ है तो बहुत ही मज़बूत है. देखिए, इसको आप अपने मेकअप्स का या ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने जितने भी मेकअप के सामान थे उसको एक जगह आप कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अभी तो मैंने इसे किचन में रखा है, बट आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के बगल में कहीं जगह हो या टेबल पर रख सकते हैं. ये
मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है और जिसकी मैं काफ़ी एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। तो आप किड्स के सामान, अपने बच्चों के सामान, स्टडी मटेरियल्स हैं और टॉयज़ रख सकते हैं इसमें इस तरह से। और ये जो कप मैंने पुरानी कप यूज़ की हुई है, इसमें मैंने पेन और पेंसिल्स रखी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। मैंने देखा कि ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। ऑर्गेनाइज़र बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, उनके लिए भी कुछ डिफरेंट होगा। चाहे तो इसका लेवल बढ़ा सकते हैं, एक ट्रे और यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इस तरह से। थैंक यू।